हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था, मुझे कमेंट किया था कि गुरुजी कोई सम्मोहन या वशीकरण का ऐसा वीडियो डालिए कि ऐसा मंत्र दीजिए कि जो हम फोटो से सम्मोहित कर सकें, किसी को फोटो से वशीकरण कर सकें। तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए और सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ कि हम फोटो से कैसे जो है उसको वशीकरण कर सकते हैं, कैसे उसको सम्मोहन कर सकते हैं कि व्यक्ति हमारे पास ना हो और फोटो से हम वशीकरण कर लें। तो इस विधि में, विधि बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर व्यूवर्स नए आए हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो आप देख पाएं। वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अगर वीडियो आप बीच में स्किप कर देते हैं ना, तो उसमें पता नहीं लगता कि हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर आपसे जब बीच में से कुछ छूट जाएगा तो फिर साधना में दिक्कत तो आएगी आएगी। तो इसलिए पूरी विधि आपको पता होनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, वो लाइक भी कीजिए। तो ये मैं आपको विधि बता रहा हूँ कि इसमें ना हम जिसको भी, किसी कोई भी हो, जिसको भी हम वश में करना चाहते हैं, उसका केवल एक फ़ोटो ले लें कहीं से भी। उस फोटो को अपने पास रखेंगे और दिन आपको रविवार का होगा। इसमें हम आसन आप कोई भी ले सकते हो, माला आप इसमें, वैसे तो रुद्राक्ष की माला भी चल जाएगी, या फिर कोई भी माला ले इसमें यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हकीक की माला भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना रविवार से स्टार्ट करना है आपको। रविवार की रात्रि को जो फोटो है उस फोटो पर सम्मोहन यंत्र को बांध लेना है। अब सम्मोहन यंत्र कहाँ से मिलेगा भाई साहब? किसी की भी दुकान पे, पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसको बोलना कि सम्मोहन यंत्र हमें दे दो, तो वो सम्मोहन यंत्र आपको दे देगा। और जो ताम्र पर पत्र पे अंकित होता है वो आप ले लेना, और उस पे उस फोटो को बांध लेना है आपको। और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मंत्र की आपको तीन माला का आपको जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? दीप, वैसे तो खैर देखो इतना छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, तो सब दीपक भी जलाएंगे आप, अगरबत्ती भी लगाएंगे आप, लेकिन मैं थोड़ा सा, वीडियो छोटी हो जाएगी तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो ना बता करके थोड़ा, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी विधि भी नहीं है कि मुझे इतना कुछ बताना पड़े इसमें। और तो सब मैंने वीडियो, जब आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको सब कुछ मालूम ही है। तो इसमें आपको केवल 3 रविवार तक ये प्रयोग करना है। 3 रविवार तक, यानी कब, करीब करीब 21 दिन का टाइम होता है, 21 दिन का आपको योग करना है। और उसमें आपको मंत्र जो बोलना है वो मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, वहां से भी आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार है, ओम रम श्रम अमुकम मे वस मानाय हुम। तो इसमें जो अमुक शब्द आया है ना, अमुकम, यहाँ पे उसका नाम बोल सकते हो। अगर नाम आपको पता, देखिए जब फोटो आपके पास है तो नाम तो आपको जाहिर सी बात है, नाम तो पता ही होगा, तो यहाँ आप उसका नाम बोलेंगे। और 3 रविवार तक आपको, 21 दिन तक आपको लगातार 3 माला का जाप करना है बस। और फिर आप देखो कि फोटो से कैसे जो है सम्मोहन होता है, कैसे वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। कोई भी हो, आपका नौकर भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई अधिकारी भी हो सकता है, मतलब जो भी हो A to Z, ये फोटो से ही आप इसको सम्मोहन कर सकते हो। तो ये वीडियो, ये विधि जो मैंने आपको बताई है बहुत ही कारगर विधि है। इसमें आप जब करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ बताया था। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज, और मुझे आप अब आज्ञा दें तो बोलिए मेरे साथ,
जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, जय जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव की।